दिस मॉड्यूल वी विल अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस इंप्रूवमेंट जर्नी इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ ईयर पी कैन मेक इट सक्सेसफुल किसी भी कंपनी को बेहतर प्रोडक्ट और मार्केट में सस्टेन करने के लिए कंटिन्यूस प्रोसेस इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है तो हम रिव्यू करते हैं कि वट आर वट इज द जर्नी एंड हाउ ईयर पी कैन मेक इट सक्सेसफुल जर्नी सबसे पहले हम प्रोसेस इंप्रूवमेंट की डेफिनेशन को देखते हैं। इट इज क्रिटिकल टू सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इन टूडेज मार्केट इफ कंपनीज़ नीड टू रिमेन इन बिजनेस जिसका मतलब यह है कि दे नीड टू गेट द मार्केट शेयर प्रोवाइड सर्विसेज़ ताकि कस्टमर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बाय करें इट इज क्रिटिकल फॉर दैट कंपनी के कंटिन्यूसली प्रोसेस इंप्रूव हो इट इज वाइटल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू करेक्टली आइडेंटिफाई द प्रोसेस इज विच नीड एन इम्प्रूवमेंट इनिशियटिव अब हर कंपनी में टाइम टू टाइम कस्टमर जब बेस बढ़ेगी कस्टमर ज्यादा होंगे तो कस्टमर देर इज ए पैटर्न के देर आर चांसेस के कस्टमर की नीड आप सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे विच मीन के वट एवर द चेंजेस विच आर रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस यू हैव टू एडजस्ट यू हैव टू चेंज यू हैव टू आइडेंटिफाई के इंप्रूवमेंट कहां पे लानी है कैसे लानी है जब इंप्रूवमेंट का पता लग जाएगा तो इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव जर्नली कंपनीज डू दीज काइंड ऑफ टास्क और दीज एक्सरसाइजेस ऑन एयरली बेस नब ये जर्नली कैसे होती है नॉर्मली इट इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन ऑफ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर वट आर दो मैयर्स बेस्ड ऑन विच वी डिफाइन वी एज ए कंपनी के वी आर प्रोवाइडिंग द सर्विस इन एफिशियंट एफेक्टिव मैनर हर कंपनी के के पी आई डिफरेंट होंगे उन्होंने डिफरेंट तरीके से वो मैयर्स कैलकुलेट uh, या वो मैयर्स डिफाइन किए होंगे सेकेंड अलाइनिंग ईआरपी सिस्टम टू केपीआई मैयरमेंट पैरामीटर फॉर एग्जाम्पल अगर आपका पैरामीटर यह था कि आपने कस्टमर को विद इन फाइव मिनट सर्व करना है और वो पैरामीटर आप अचीव नहीं कर रहे तो इट मीन्स यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द सर्विस इन एफिशियंट इफेक्टिव मैनर वो मैयर हर कंपनी डिफरेंट तरीके से डिफाइन करेगी लेकिन हाउ इी सॉफ्टवेयर आर हेल्पिंग टू अचीव दैट केपीआई उसके साथ साथ डेंटिफाइंग परफॉर्मेंस टारगेट्स कि वो कौन कौन से टारगेट हैं जो आपने अचीव करने हैं फॉर एग्जाम्पल मंथली डेली और इारगेट बेंच मार्किंग यूज के बाहर मार्केट के अंदर बेस्ट प्रैक्टिस क्या है और हाउ वी आर परफॉर्मिंग रिगार्डिंग दैट कि हम तो इस तरीके से काम कर रहे हैं लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस और वो मैयर्स क्या है तो प्रोसेस इंप्रूवमेंट जनरी इनवॉल्व ऑल दिस केपीआई इज मयरेबल वैल्यू इट इज मयरेबल बिचवीन क्वांटिफाइबल वैल्यू द डिमोन्स्ट्रेट हाउ इफेक्टिवली ए कंपनी इज अचीविंग की बिजनेस ऑब्जेक्टिव अब किसी भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव जनरली uh, दो या तीन या उससे ज्यादा होंगे फर्स्ट क्ड बी प्रॉफिट मेकिंग ऑपरेशनल एक्सलेंस और सेटिस्फाइंग द कस्टमर और देर कुड बी मोर तो हाउ वेन दे आर गोइंग टू डिफाइन वट आर दो मयरबर वैल्यूज जिसकी बिना पे दे कैन डिमॉन्स्ट्रेट दे कैन शो कि कंपनी इफेक्टिवली तरीके से रन हो रही है नो ईच डिपार्टमेंट विल वॉन्ट टू मयर सक्सेस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक गोल एंड टारगेट हर डिपार्टमेंट की केपीआई डिफरेंट होगी हर कंपनी ने डिफरेंट तरीके से केपीआई डिफाइन की होगी विच मीन वो मयरेबल वैल्यू उन्होंने डिफरेंट तरीके से डिफरेंट मेथड से डिफाइन की गई होगी देर आर द कंफ्यूजिंग क्वेश्चन विच आर जनरली आस्ड स्पेशली इन द प्रोसेस इंप्रूवमेंट फर्स्ट इज शुड वी कैरी आउट प्रोसेस इंप्रूवमेंट बिफोर डिप्लॉइंग ईआरपी सिस्टम के क्या हमें प्रोसेस इंप्रूवमेंट पहले करनी चाहिए ईआरपी सिस्टम को अपनी कंपनी के अंदर इंट्रोड्यूस करने या शुड वी वेट दैट हम इंतजार करें फॉर ईआरपी डिप्लॉयमेंट्स टू कंप्लीट एंड देन एंबार्क अपॉन प्रोसेस इंप्रूवमेंट देयर इज नो राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन आइदर यू कैन स्टार्ट विद द प्रोसेस इंप्रूवमेंट एंड डिफाइन दोज केपीआईज and bring in erp and see how it can help to achieve or you can start with erp deployment and then see how you need to embark on process improvement so different companies uh, they use different methods to achieve this now achieve means achieve the business objective now what are the steps uh, for process improvement फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन एंड प्रायोरिटाइज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स विच मीन वो कौन कौन सी मयरबर वैल्यूज हैं नंबर वन और प्रायोरिटी क्या है सबसे पहले क्या है सेकेंड नंबर पर क्या थर्ड क्या है सेकेंड अलाइन ईआरपी रिपोर्टिंग सिस्टम विद केपीआई इफ ईआरपी सिस्टम इज अनएबल टू जनरेट रिपोर्ट ऑन दोपीआई जो इंफॉर्मेशन जेनरेट हो रही है देर इज नो यूज ऑफ दैट ईआरपी सिस्टम तो जरूरत इस बात की है कि ई आर पी रिपोर्टिंग सिस्टम भी अलाइन हो विद योर Bench, so, के पी आईज बेंच मार्क के पी आईज अगेंस्ट बेस्ट इन क्लास परफॉर्मेंस तो यू हैव टू बेंच मार्क एसेस कि हाउ यू आर परफॉर्मिंग विद द बेस्ट प्रैक्टिस अवेलेबल इन द मार्केट उसके साथ साथ यू हैव टू आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस टारगेट्स एंड ईआरपी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बिकॉज याद रहे कि ईआरपी आर नॉट चीप सिस्टम्स, यू हैव टू इन्वेस्ट हैवीली टू हैव दो सिस्टम इन योर कंपनी तो व्हाट आर दी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन दोज इन्वेस्टमेंट अगर चार साल में आप वैल्यू नहीं देख पा रहे तो इट इज जनरली रिकमेंडेड कि कस्टमाइज सोल्यूशन की तरफ आप जाए मेजोरिटी ऑफ द प्लेयर्स जो ईआरपी सिस्टम डेवलप करते हैं दे सेल दोज सोल्यूशन वेरी एक्सपेंसिवली एंड डिवेलप परफॉर्मेंस प्लान टू अचीव ईआरपी इंप्रूवमेंट वट आर दोज परफॉर्मेंस प्लान के हमने प्रोसेस इंप्रूवमेंट स्टार्ट की बिफोर द ईआरपी या वी ब्रिंग इन ई आर पी एंड देन इनिशिएट द प्रोसेस इंप्रूवमेंट लेकिन जरूरत इस बात की है कि परफॉर्मेंस प्लान टू अचीव ईआरपी अप्रूवमेंट कि कैसे ईआरपी हेल्प कर रहा है उन परफॉर्मेंस प्लान या उनकी डिवेलपमेंट में तो जर्नी ऑफ प्रोसेस इंप्रूवमेंट एंड यूजिंग ऑफ ईआरपी सिस्टम आइदर यू कैन बाय एंड देन स्टार्ट द इनिशिएटिव और स्टार्ट द इनिशिएटिव एंड देन ब्रिंग इन ईआरपी टू मेक श्योर कि इट हैज बेटर अलाइनमेंट विद द एग्जिस्टिंग केपीआई